हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे भाइयों? तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। कई बच्चे बोलेंगे सर आप क्योंकि भाई ये 21-22 की वैकेंसी, तो मैं इसको 2022 की वैकेंसी मानूंगा क्योंकि ये 2022 में आपकी भर्ती कंप्लीट होने के लिए 2023 में कंप्लीट होगी, तो फिर ये 2022 की इस भर्ती को मानना तो बेस्ट रहेगा। तो देखो मैं बात करता हूँ, पोस्ट निकली थी आपकी 115, 115 पोस्ट निकली थी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स जवाब आ रहे हैं, सर SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की फिजिकल कब तक होंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला, पहले फिजिकल होगा कि रिटर्न होगा, किस प्रकार से पेपर होगा, किस प्रकार से क्या होगा, सारी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। एक बात बोलना चाहूंगा, जो बच्चा BSF ट्रेड्समैन की स्पेशल तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैं बता दूं आपको, SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर हो, चाहे SSB ट्रेड्समैन हो, चाहे BSF ट्रेड्समैन हो, चाहे CRP ट्रेड्समैन हो, सब भर्तियों के लिए जो आपका बेस स्टार्ट हो रहा है, वैसे बता दूं इसका आप नाम दे रहे हैं BSF ट्रेड्समैन, बल्कि सब क्लास से आप सब ज्वाइन कर सकते हो ये बच्चे। देखो मैं बता दूं आपको, आपकी 25 मार्च से बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हिंदी पूरी जीरो से, मैथ पूरी एकदम संख्या पद्धति से लेकर रीजनिंग और आपका GK एंड GS, ये चारों सिलेबस आपको इस YouTube चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री कराए जाएंगे। 25 मार्च को न्यू बैच स्टार्ट हो, उसका टाइम टेबल आपको 24 मार्च को वीडियो मिल जाएगा, ये बात दिमाग में रख लो। तो बच्चा यदि इनकी तैयारी करना चाहता है लिखित परीक्षा की, तो इस YouTube चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। अब तो बात कर लेते हैं इसकी। देखो हवा में बात नहीं करूंगा, बिल्कुल हकीकत बात करूंगा, ना ही आपको गुमराह करूंगा कि अब एडमिट कार्ड आएगा, नहीं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, जो दूंगा वो रियल हकीकत जानकारी होगी। आप इसको देखना, वीडियो को पूरा देखने के बाद ये डिसाइड करना कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है कि नहीं करना। और आप SSB हेड कॉन्स्टेबल हो, ट्रेड्समैन हो, चाहे ग्रुप सी हो, कोई भी एग्जाम हो, BSF ट्रेड्समैन हो चाहे BSF ग्रुप सी हो, कोई भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं बता दूं आपको, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल सके। कई बार क्या होता है, बहुत सारे आपके नोटिफिकेशन आ जाते हैं यूट्यूब में, तो आप इसको एक साथ डिलीट कर सकते हो। तो बता दूं आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का फायदा ये है, तो मैं लाइव आता हूँ तो उस पर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ ही मैं बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर ये आपका वीडियो नहीं आया, तो वीडियो में डाल देता हूँ पर आप नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लोगे, तो वहां मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा आपको। तो प्लीज आप एक व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल सके। देखो बात करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा इसके लिए बात करूंगा मैं। तो देखो सबसे पहले और सिलेक्शन प्रोसेस दोनों एक ही चीज है, तो मैं इसका पूरा थोड़ी सी शॉर्ट लिए इसका बात कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को जरूर देखो। क्योंकि एक बात बोलूंगा, कोई भी भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो चाहे कोई भी भर्ती हो, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी भर्ती हो, उसका सिलेक्शन प्रोसेस जब तक आपको नहीं पता ना, कभी भी आप उस भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका क्राइटेरिया है, तो आप नहीं पास हो सकते। ये आपको भी पता है, सबको पता है, जो बच्चा तैयारी करता रहा ना, वो बच्चा हमेशा ध्यान रखो, सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। तो हम जानेंगे SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का सिलेक्शन प्रोसेस, बिल्कुल शॉर्ट है बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसके अंदर होगा PET PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, ये दोनों होंगे आपके। दोनों में देखो क्या होगा, मेल कैंडिडेट ध्यान से देना, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जिसके अंदर आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट ध्यान से सुन लेना भाई, फीमेल कैंडिडेट की आपकी 800 मीटर की रेस होगी, जिसके अंदर आपको 4 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगी, या आपकी फीमेल और फीमेल कैंडिडेट की रेस रहती है। हाइट की बात करूं तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपका मेल कैंडिडेट और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट, ये आपका हाइट का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, इतनी हाइट तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद टेस्ट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट ओनली फॉर 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मली होना चाहिए, वैसे इसमें 77 से 83 या
72 से 82 सेंटीमीटर मांगा गया, पर मैं मानता हूँ 80 से 85 होगा तो आपको फेल नहीं करेगा पोल टेस्ट में। पर आपको देखो ये मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट को अलाउड नहीं है। तो ये आपका पहला टेस्ट है जो आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर बता दूं मैं आपका सुबह ये टेस्ट हो जाएगा तो आपको शाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, क्या क्या लगे हैं ये, वो सही है कि नहीं है वो डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बाद में आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन यानी कि लिखित परीक्षा। अब देखो लिखित परीक्षा में क्या होता है, ध्यान से देखना, लिखित परीक्षा में आपका सेम सिलेबस है, एक इस भर्ती की तैयारी करोगे, आपकी तीन तीन भर्तियों की साथ में तैयारी होगी। देखो मैं बता दूं आपको कौन कौन सी भर्तियों की तैयारी होगी, BSF ट्रेड्समैन यदि फॉरम भरा है तो, आपका SSB ट्रेड्समैन यदि फॉरम भरा है तो, SSB हेड कॉन्स्टेबल है ये आपका, और यदि CRP जो CRP ट्रेड्समैन आने वाली वैकेंसी है उसका यदि फॉरम भरा है तो इनके उनका फॉरम भरना, तो ये सब आपकी एक में। साथ ही बता दूं SSC GD 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है, उसका भी यदि फॉरम भर रहे हो, यदि उसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो अभी बता दूं इन एक भर्ती के अंदर सारी की सारी तैयारी आपकी हो सकती है। तो लिखित परीक्षा के अंदर ये बता दिया, आप समझ गए होंगे भाई क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं नॉर्मल सी 25 क्वेश्चन आपके मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश के जो आपको इच्छा लगे वो कर सकते हो, 25 क्वेश्चन GK और GS के। बता दूं मैं आपको ये सारे 25 क्वेश्चन 25-25 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल भी होते नहीं। इसके बाद में यदि आप पेपर पास हो जाते हो उसके बाद में आपको होता है टाइपिंग टेस्ट। अब देखो टाइपिंग टेस्ट में आपको 30 वर्ड आपको हिंदी में आने चाहिए और 35 वर्ड आपको इंग्लिश में आने चाहिए। बता दूं मैं आपको एक टाइपिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता दूं आपको यहाँ पर 35 वर्ड हो इंग्लिश में और 30 वर्ड आपको हिंदी में आने चाहिए, यह आपके टाइपिंग टेस्ट का पूरा फॉर्मूला रहता है। इसके बाद में बता दूं आपका, इसके बाद में होता है आपका मेडिकल, इसके बाद रीमेडिकल और इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग। तो इस प्रकार से सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई ज्यादा बड़ी बारी बात है नहीं। आपको बता दूं 1600 मीटर की 6:30 मिनट में निकालना बहुत ही आसान काम है। जो आर्मी का बच्चा होता है, जो हमारे आर्मी की तैयारी करने वाले जवान होते हैं, वो तो इसको 5:40 में मार देंगे, पर वो आपको बता दूं वो उनका आपका लिखित परीक्षा बहुत कमजोर था। जो आर्मी के बच्चे तैयारी करते ना उनका लिखित परीक्षा मजबूत नहीं था, परंतु जो बच्चा है 6:30 मिनट में निकाल रहे तो वो भी यहाँ पर पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सब बराबर है, कोई ज्यादा पहले आएगा या 5वें आएगा उसके कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, कोई आर्मी की तरह यहाँ पर नंबर नहीं दिया जाता भाई, गुड एक्सीलेंट नहीं, यहाँ पर सारे बराबर है, 6:30 मिनट तक आएगा सब बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो सर फिजिकल कब होंगे या सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो देखो मैं बता दूं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मेरे पास निकल कर आ रही है वो है कि SSB ट्रेड्समैन के एडमिट का, SSB ट्रेड्समैन के फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं अप्रैल में, यानी कि SSB ट्रेड्समैन के मार्च लास्ट तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं आपको यदि अप्रैल में फिजिकल SSB ट्रेड्समैन के स्टार्ट हो जाते हैं तो लगभग 45 से 50 दिन आपका SSB ये ट्रेड्समैन का चलेगा, उसके बाद ही आपका SSB हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का एडमिट कार्ड आ सकता है। तो मैं यहाँ पर मानू तो आपका मई से जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आने की संभावना है, उससे पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि भाई SSB ट्रेड्समैन आपका 2019 की वैकेंसी अभी पेंडिंग में पड़ी है, तो पहले वो भर्ती होगी बाद में इस भर्ती को वो कंडक्ट कराएंगे, ये बात ध्यान में रखना, दोनों भर्तियां साथ में कंडक्ट नहीं होगी। तो मई से जून के बीच में एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के 15 से 20 दिन बाद में आपका ये फिजिकल हो सकता है। तो ये जानकारी आपको जो महत्वपूर्ण लगी ना, तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया, आप तो बोल रहे थे ये भाई, और तो और देखो कुछ बोल रहे हो उससे कुछ नहीं, जो रियल हकीकत है, जो ऑथेंटिक न्यूज है वो आपको मिलेगी ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी है ना वो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।